दोस्तों, सना खान की मौत में एक और नया खुलासा आ चुका है। जैसा हम सोच रहे थे वैसा नहीं था, और यहाँ पे पूरा खुलासा ये सामने में आया है कि सना खान जो है अपने 50 लाख रुपए अपने पति अमित से लेने गई थी, और उस दौरान हुआ ये कि अमित ने उनका सर कुचलकर उनको नदी में मार के फेंक दिया। वीडियो आपके सामने। बीजेपी की अल्पसंख्यक मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता सना खान की जबलपुर में उसके कथित पति अमित साहू ने 2 अगस्त को हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को नदी में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात के सामने आने के बाद दैनिक भास्कर की टीम ने पूरे मामले की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि 2 अगस्त को सना अमित से बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए दिए गए 50 लाख रुपए वापस लेने नागपुर से जबलपुर पहुंची थी, जहां दोनों में बातचीत के दौरान विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि अमित ने उसकी डंडे मार कर हत्या कर दी, साथ ही शाम को उसका शव ले जाकर हिरण नदी में फेंक दिया। पुलिस अभी भी कार्य कर रही है, स्पॉट पे ही है। जैसे ही उनकी बॉडी मिलती है आगामी कार्रवाई हमको पुलिस के द्वारा की जाएगी। सना खान महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली थी। उसने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से करीब 10 साल पहले की थी। फिलहाल जबलपुर पुलिस महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर हिरण नदी में सना के शव की तलाश कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए जबलपुर से सुनील विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जितनी भी मुसलमान बहनें हमें देख रही हैं, उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मैं भगवा लव ट्रैप स्टोरीज में कवर कर चुका हूँ। ये पहला केस नहीं है सना खान का, ऐसे कई सारे केसेस हो चुके हैं। कहने का मकसद ये है कि ये काफिर हैं, इनके अंदर दीन नहीं, ईमान नहीं। ये लड़कियों को डिसीव करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके मार के छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बात पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। इनको औरत की अहमियत बिल्कुल नहीं मालूम, सिर्फ प्यार मोहब्बत का जाल फेंकते हैं जिसमें आप आसानी से फंस जाती हो। बहुत सारी स्टोरी मैंने कवर की है, जिसमें से कुछ चुनिंदा स्टोरी हैं, जहां पे करी के साथ राइस नहीं बनाया मार दिया, पैर नहीं दबाया मार दिया, मीट खाने की इच्छा जाहिर की जान से ख़त्म करके कुएं में फेंक दिया, छोटी छोटी बात पर डोमेस्टिक वायलेंस करके चीर के मार के फेंक देते हैं। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि लिबरल और फेमिनिस्ट के डार्क साइड से निकलें, ये लाइफ तुम्हें बर्बाद कर देगी आखिरत में भी और दुनिया में भी। सिवाय डिप्रेशन के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये लिख के ले लें आप।